मर जाएंगे, मरने के लिए हैया है तो डरना किस बात की। जिनकी मौत से डर ही लड़ ही रहे मैडम 2400 तो ड्यूटी। कैला हो जी मोदी जी दो रंगनी ए नम के बैठे खातिर दिल हो कुरासी या हमारा बेरी। हम लोग मैडम 17 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं मजदूरी वेतन नहीं किया है। धूपावा टटेला हमारा बेरिया काहे रोड पर उतारला हमारा काहे। हम लोग को 5 गो के जेल हुआ था, 5 गो को जेल। हाँ, लाठी से पिटाए भी तो 2007 में। मुश्किल हो गया, बाल बच्चा के छोड़ करके हम लोग जिस समय आता है कल उठ कर जाना पड़ता है। ना नाश्ता करने का जगह है और तो और हम लोग भी महिला हैं, बाथरूम का जगह नहीं है। तो बाहर निकाले हैं, आने तक अगर वो मेरी आवाज़ को नहीं सुनते हैं तो सभी बहू घर से निकले हैं तो हम लोग उनको कुर्सी से ही निकाल देंगे। बाथरूम का भी जगह नहीं है, हर कर्मचारी हम लोग को भगा देता है वहाँ जहाँ कहीं बैठते हैं। तो ऐसा को टेंशन है क्या बाल बच्चा खाएगा, दीदी मर जाएंगे ऐसे ही ना पहनने के लिए वो कपड़ा दे। कहाँ से है लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी उपस्थित हूँ मैं पटना के गांधी मैदान में और गांधी मूर्ति के सामने में देख रहे हैं यहाँ पे आशा कार्यकर्ता बहुत भीड़ लगाई है और रोड पे उतर आई हैं, रैली निकाली हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों क्यों आप लोग क्यों रोड पे उतर आए। हम लोग के मानदेय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग जब तक नहीं देंगे सरकार जब तक हम लोग ऐसे ही हड़ताल पे डटे रहेंगे। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों रोड पे उतर आए हैं। हम 2005 से बहाल हुए हैं, हम लोग का प्रोत्साहन राशि ही आज तक मिलता है, वो भी राशि में कटौती किया जाता है और काम बढ़ा दिया गया है। आजकल बहुत तरह के काम जो ANM और सुपरवाइजर डाटा ऑपरेटर प्रभारी मैनेजर द्वारा जो करना है वो सब भी आशा को दबंगई द्वारा करवाया जाता है कि तुम्हारा ये काम है नहीं करोगी तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। और काम बहुत सा लिया जाता है, दाम घट गया है। पहले जो है प्रोत्साहन राशि 600 मिलती थी आशा डिलीवरी पर, वो भी 300 कर दिया गया है। और कोरोना काल में हम लोग 9 महीना काम किए तो हम लोग से फुसला कर कोरोना से पीड़ित मरीजों को जांच करने का कोई अलाउ नहीं था, तो हर प्रखंड में प्रभारी जो है दबंगई दिखा के आशा द्वारा जांच करवाया गया और वो कोई तरह के दाम नहीं दिया गया जो प्रलोभन दिए थे कि हर महीने 1000 तुमको हर महीना कोरोना का काम करोगी तो मिलेगा, तो 10 महीना का 10,000 करके मिलेगा। हम लोग जब मांगने गए प्रभारी से तो मुझे झोटा नोच के बाहर कर दिए और बोले कि तुम अपनी मांग सरकार से मांगो, हम नहीं देंगे, हमको मिला ही नहीं आउटी पर तो कहाँ से देंगे। अपनी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आ जाए हैं कि नीतीश कुमार अपना मांग को मेरी मांगों को सुनेंगे कि समान काम समान दें, सभी बहुओं को बाहर निकाले हैं, अन्यथा अगर वो मेरी आवाज़ को नहीं सुनते हैं तो सभी बहू घर से निकले हैं तो हम लोग उनको कुर्सी से ही निकाल देंगे, ऐसा हम लोग सोच लिया है, ना तो समान काम समान। क्या लगता है सरकार आपकी बातें सुनेंगे और इस पे कुछ एक्शन लेंगे। हमको लग रहा है कि जैसा उन्होंने बेटी बचाओ का आंदोलन दिन रात करते हैं तो हम लोग ही तो बेटी बहू बने और आगे आने वाली बहू ही बेटी बहाल होगी, तो अगर उनको ऐसा होगा तो जरूर देंगे। हमको लगता है कि वो कुछ ही देंगे लेकिन देंगे समान काम समान दान उचित। कहाँ कहाँ के कार्यकर्ता आए हैं, कहाँ कहाँ के? हमारे सभी प्रखंड के, पूरे बिहार के सभी प्रखंड के कार्यकर्ता आए हैं। अच्छा, आप लोग जो रोड पे उतर आए हैं इससे पहले भी किसी मुद्दे को लेकर के रोड पे महिलाएं और बहुत सारे पुरुष जो हैं BJP के जो कार्यकर्ता लोग उतर आए थे और महिलाओं के साथ जो है लाठी चार्ज किया, मारा पीटा गया, आप लोगों को डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग 2007 में हम लोग जाएंगे लेकिन लड़ के रहेंगे मैडम, मर जाएंगे, मरने के लिए हैया है तो डरना किस बात की। जिनकी मौत से डर ही लड़ ही रहे मैडम 2400 तो ड्यूटी। गैस छोड़ा गया था, हम लोग को 5 गो के जेल हुआ था, 5 गो को जेल। हाँ, लाठी से पिटाए भी तो 2007 में, और हम लोग उम्मीद रखे थे तो 1000 प्रोत्साहन राशि बढ़ाया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि अगर बिना लाठी चार्ज के ही सरकार इस उम्मीद को पूरा करे, नहीं तो अन्यथा बेटी बहू को लाठी चार्ज भी करेंगे तो देखेंगे आगे देखेंगे। ऐसे जो काम करता है तो 600 रुपया के रोज मजदूरा का मिलता है, हमने के 24 घंटा ड्यूटी करते हैं तब भी पेट नहीं भरता है। क्या बोले, मजदूरी नहीं मिलता। हम लोग मैडम 17 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं मजदूरी वेतन नहीं किया गया। 17 साल से मिला ही नहीं है। नहीं, काम क्या मिलेगा मजदूर को, उतना तो मिलता है, कमीशन कमा दे तो क्या है सर, सुतना भी मुश्किल हो गया, बाल बच्चा के छोड़ करके हम लोग जिस समय आता है कल उठ कर जाना पड़ता है, धूप हो रात हो बिरात हो चाहे बच्चा बीमार हो फिर भी। PSC पे न रहने का
नहीं है, बाथरूम का भी जगह, बाथरूम का भी जगह नहीं है। हर कर्मचारी हम लोग को भगा देता है वहाँ जहाँ कहीं बैठते हैं, तो प्रभारी हो, NM हो, यहाँ तक कि ममता दाई तक हम लोग को भगा देती है। क्या है, कोई वैल्यू नहीं, ऐसा क्या होता है, कोई चीज नहीं हम समझते हैं। मैं जाते हूँ वहाँ भी भगा देता, हम सब खुशरूपुर प्रखंड से हम सब आशा आई हुई है, और कोरोना में इतना जान, इतना कुछ करने के बाद भी अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुनेंगी तो फिर क्या कीजिएगा, मर जाएंगे दीदी, वहीं पर मर जाएंगे, उन्हीं के पास आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, मर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन लेके रहेंगे दीदी जरूर। सरकार अगर इतना करने के बाद भी आप लोगों की बातें नहीं सुनेंगे तो क्या कीजिएगा, रहेंगे ऐसे ही निश्चित हड़ताल पर रहेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे दीदी तब तक नहीं आंदोलन तोड़ेंगे, हमारी बातें नहीं मानेंगे तब तक हम लोग हड़ताल पे जारी रहेंगे, भूखे प्यासे पीएससी पर ना काम करेंगे ना करने देंगे। टेंशन है, हर आशा को टेंशन है, क्या बाल बच्चा खाएगा दीदी, मर जाएंगे ऐसे ही, ना पहनने के लिए वो कपड़ा दे। कहाँ से आई? हम खुसरूपुर ब्लॉक से हैं दीदी। यहाँ के कौन कौन जगह के लोग आए हैं? नौबतपुर के है, विक्रम के है, पाली के है, बिहार के है, बख्तियारपुर है, बाढ़ है, मोकामा है, बिहटा ब्लॉक, पटना जिला बिहटा ब्लॉक से हम लोग। जरूर ममता लगेगा, यदि मानव के मान्यता होगा नीतीश कुमार का, मोदी सरकार का, तेजस्वी के, तो जरूर हम लोग का दर्द वो समझेंगे, उनका माँ बहन नहीं होगा तो दर्द नहीं समझेंगे, यदि माँ बहन का दर्द उनके पास होगा तो जरूर हम लोग का दर्द वो हल करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहता है, लेकिन उनको इज्जत देगा, महिलाओं को इज्जत देगा, तब तो बेटी है बढ़ाओ पढ़ाओ का दर्जा देंगे। बच्चा के लिए आते हैं तैयो नहीं देते हैं, मानदे मानिके मानिके मानदे चाहिए, काहे कैला हो जी मोदी जी दो रंग नीतिया, काहे कैला हो जी मोदी जी दो रंग नी, ए नमके बैठे खातिर दिल हो कुरासी, या हमारा बेरिया काहे धूपावा टटैला, हमारा बेरिया काहे रोड पर उतारला, हमारा बे काहे कैला हो तेजस्वी दो रंग ने, तनको ममता नहीं है तेजस्वी भैया, स्वास्थ्य मंत्री की मर जाएगा, बूढ़ी हो गए, मर जाएंगे, सही बेटा पुतो घर से निकाल देगा। 2005 से 2005 से हम लोग हर गांव को सुधार कर, पल्स पोलियो, RI, डिलीवरी, माता मात मृत्यु, बच्चा जच्चा, हम लोग इतना आशा दीदी हैं, सारी जनता मेरे पास है, नहीं देने देंगे, नहीं जीतने देंगे दीदी, नहीं जीतने देंगे, नहीं जीतने दीजिए, नहीं नहीं जीतने देंगे, मृत्यु दर कम करा ही है, आज भी मृत्यु दर ज्यादा होने लगेगा, जब हम लोग काम छोड़ देंगे ना तो मृत्यु रोग ज्यादा होने लगेगा, फिर नहीं देंगे। हेलो दीदी, हमी सबके डर ना हल बाल बच्चा छोड़ के इतना धूपवा में गलिए गलिए, ये काम करो ये काम करो, निकल के छोड़ देंगे, कोई माया दया ना लगते, इतना परेशान करते हैं तैयो कैसे जिएंगे, बाल बच्चा ना है तो सबके बड़ा बड़ा बात, बाल बच्चा को तो पढ़तो लिखतो, हमने सबके बाल बच्चा मजदूरी करते हैं, हर जोते तो देख रहे हैं, महिलाओं की जो समस्या है उस समस्या को लेकर के महिलाएं रोड पर उतर आई हैं और सरकार से मांगे कर रही हैं। अब देखिए कि सरकार इनकी बातें सुनती है या नहीं सुनती है, या फिर कितना सुनती है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इन महिलाओं के बारे में या फिर इनके कार्य के बारे में, टिप्पणी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।